और सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के जुहू इलाके की, जहां पर कोली समाज के लोगों को बेघर कर दिया गया है। विकास के नाम पर उन्हें बेघर किया गया है। कोरोना काल में जहां सरकार लोगों को घर में रहने की सलाह दे रही है, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में बीएमसी द्वारा कोली समाज के लोगों को बेघर कर दिया गया है। विकास के नाम पर विकासक और बीएमसी की कार्रवाई से स्थानीय लोग परेशान है। जुहू के मंगेलवाड़ी में पिछले कई दशकों से कोली समाज के लोग अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे, लेकिन विकास के नाम पर कोली समाज के लोगों को बेघर कर दिया गया है। वहीं कोली समाज को न्याय दिलाने के लिए मनसे ने मोर्चा खोल दिया है। अंधेरी मनपा मनसे के उप विभागाध्यक्ष किशोर राणे ने कोली समाज का समर्थन करते हुए बीएमसी और विकासक के खिलाफ उपोषण अनशन पर बैठ गए हैं। माननीय श्री राज साहब ने मुझे 2019 में यहाँ से आमदार की लड़ने के लिए एक चांस दिया था और यहाँ के विभाग अध्यक्ष मनीष जुरी जी उनके अंडर मैंने हम लोग ने अच्छा प्रचार किया। प्रचार के दरमियान इधर के कुछ लोग मुझे मिले थे उस समय और मुझे कहा कि हम लोग को थोड़ा डर है, यहाँ ये जो बिल्डर है हम लोग को बहुत धमकाते रहता वगैरह, तो ठीक है सुना मैं, बोला बाद में हम लोग कुछ करेंगे। लॉकडाउन चालू हुआ, लॉकडाउन में जहाँ पे गवर्नमेंट से एक मराठी वाक्य की घरी रहा सुरक्षित रहा तुम्हें बगता, त्या लॉकडाउन मध्ये हे लोक यांची घर तोडायला बीएमसी निकल पड़ी, तो मैंने इन लोग को रोका। जब रोकने के बाद इन लोग ने मुझे मीन्स ऐसा है कि हमेशा हम लोग आवाज़ देते हैं, ये कोली बांधव लोग आज 1947 से यहाँ पे रह रहे हैं और जो नरेश जैन है वो एक उसका जो पार्टनर है जीतू जैन वो आपको मालूम है आज जेल में है और चोर बिल्डर है वो, तो जो चोर का पार्टनर चोर रहता है मीन्स शिवसेना जो मराठी पीपल के लिए झगड़ा करती है वही आदमी इन मराठी बांधवों को निकालने के लिए पीछे पड़ा है। जब हम लोग ने ये किया एक्शन और इसके अगेंस्ट में खासदार जो है अपने गजानन कीर्तिकर साहब उन्होंने लेटर दिया, आपको लेटर का कॉपी दिखा देता हूँ। इन्होंने लेटर दिया है कि अपर पुलिस स्टेशन एडिशनल सीपी को कि इनके ऊपर कार्रवाई करो बिल्डर एंड जिनके ऊपर केस ले लीजिए, लेकिन आज तक ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे गजानन सर को भी मेरा अपील है कि आप आके ये मंच पे इनके न्याय दे दीजिए, ये कोली बांधव लोगों का घर रहना चाहिए उनका है, ऐसे भी इनको इस जगह से कुछ इसके पीछे कौन है क्या नहीं हम लोग को सब मालूम है कहाँ से इतना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब कोरोना के समय ये लोग मुझे आंदोलन एक शांति के मार्ग से जा रहा हो तो मुझे ये लोग नोटिस देते, बट तभी पुलिस सिक्योरिटी लेके बीएमसी इन लोग के घर तोड़ रही थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस उपोषण के बाद कोली समाज को न्याय नहीं मिलता तो मन से किस तरह का आगे का सर, अभी तो हम लोग लोकशाही मार्ग से चल रहे हैं, नहीं तो ये लोकशाही हमें पसंद नहीं, फिर आगे हम लोग ठोकशाही से जाएंगे, जो मिट्टी जो घर तोड़ा है वही मिट्टी से हम लोग बीएमसी जो अधिकारी है उनका मुंह तो काला करेंगे और बिल्डर का भी मुंह काला करेंगे और उनको दिखाएंगे कि इनको कैसा आगे चल कर ये बिल्डिंग बनाते या कुछ भी जो भी है उनका क्या बनाते वो कैसे देख लेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से 20 से 25 लोगों का घर तोड़ा है जो भी, और बाकी जो लोग फाइट करे उन्होंने कोर्ट में जाके स्टेटस को लिया है, बट बोलने का मतलब एक ही है कि उनको न्याय दीजिए, उनको एक प्रॉपर एक कोरोना का समय है, अभी अभी के अभी ये बिल्डर तो बिल्डिंग नहीं बनने वाला है, तो ये कोरोना होने के बाद आप तोड़ दीजिए, उनको एक घर दे दीजिए और आपका जो है काम कर दीजिए, हमारा बोलने का मतलब यही है। आप जो है फाइल लेके रखे हैं कहीं आपने इसकी कंप्लेन या शिकायत की है कहाँ कहाँ? हमने बीएमसी बालमवर साहब बीएमसी अपने आयुक्त विश्वास मोटे साहब फिर कमिश्नर अपर पुलिस स्टेशन सब जगह कंप्लेंट किया इनके ऊपर केस दाखिल करो, तो केस होना चाहिए। तो क्या हुआ वहाँ से, क्या आश्वासन सर? वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं है, सब लोग मीन्स ऐसे ही ये कर रहे, आज ये आंदोलन के लिए मुझे उन्होंने 149 का नोटिस दिया कि आप बैठिए मत, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो लोकशाही से ही बैठ रहा हूँ ना। कोरोना काल है उसके गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिया गया ऐसा कुछ? कोरोना गाइडलाइन अभी मेरे लिए इन लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन कोरोना के टाइम पे उनके घर तोड़ते समय तो सब लोग थे सिक्योरिटी से लेके सब जगह। इसके पहले भी जब जू गाउटन अपना रुया पार्क में जब मच्छीमार लोगों को मच्छी सुखाने की जगह दे नहीं रहे थे, अभी विभाग अध्यक्ष मनीष दूरी जी उनके पास ये कंप्लेंट जाने के बाद हम लोग ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद उनको ये न्याय दिया था कि आप किसी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हो। तो मेरा बोलने का लिए ये सरकार क्या कोली लोग के अगेंस्ट में है?